दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल साथ निभाना साथिया में गहना भागेगी जेल से। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिल रहा है कि गहना को जेल की सजा हो चुकी है और कनक कहती है, कनक उसे एक लड़की से बचाते नजर आती है जो कि जेल में उसके उनके साथ बंद होती है और वो गहना को मारने की कोशिश करती है और कनक उसे बचाते नजर आती है। उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है कि गहना की पहले तो उसे स्वरा मिलने आती है और चैलेंज करती है कि तूने तो 24 आवर्स का कहा था ना, अब क्या मुझे इस जेल में साबित करेगी कि मैं गलत हूँ और मैंने पंकज जी का ये हाल किया है। उसके बाद में स्वरा यहाँ पर अनंत की भी एंट्री होती है और अनंत उसे चैलेंज कर देता है और कहता है कि मेरी गहना को मैं यहाँ से निकाल के रहूँगा और वो दोनों काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर गहना की माँ की एंट्री होती है और देखने को मिलता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देती है और कहती है कि मेरे खिलाफ गवाही मत देना वरना मेरा बुढ़ापे में इस जेल में इस तरह कैसे रहूँगी। और गहना उसके इमोशनल ड्रामे में फंस जाती है और देखने को मिलता है कि उसे बचपन की चीज़ें याद आती है और यहाँ पर कनक उसके लिए स्पेशल खाना बना मंगवाती है जिससे वो खाती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्च मसाला होता है जिससे कि गहना की हालत ख़राब हो जाती है और वो उसके मुँह पर पानी फेंक कर मारती है कनक। उसके बाद ने यहाँ पर कहती है कि देखना अब मैं इस गर्ल्स जेल से चली जाऊँगी और उसके बाद ने वो घर भी मेरा होगा और मेरा पति भी मेरा ही होगा। और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि पूजा रखी जाती है पंकज के घर लौटने में और यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि जैसे कृष्ण के जन्म पर कारागार खुल गए थे उसी तरह से ऐसा ही कुछ होता है कि जेल में कुछ धुआं वगैरह हो जाता है और कनक को निकालने के चक्कर में यहाँ पर सागर ने कुछ ड्रामा कर दिया है और कनक के साथ में अब गहना भी जेल से फरार हो जाएगी और अब साबित कर देगी कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं स्वरा ने ही किया है और पंकज को नुकसान उसी ने पहुँचाया था और स्वरा आखिर करना क्या चाहती है। तो काफ़ी कुछ हाई वोल्टेज सामान देखने को मिलेगा शो में।